नेता के खिलाफ हमारी एक भूमिका हो सकती है। लेकिन हम सब ये मानते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की गरिमा हम रखते हैं, उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए प्रधानमंत्री। लेकिन ये नियम सिर्फ हमको ही लागू है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या और कोई नेता हो, उनके ऊपर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो, तो असम पुलिस का कानून वहां नहीं चलता है क्या? पवन खेड़ा जी ने क्या वक्तव्य किया है मुझे ज्यादा जानकारी, मेरे के मैं देख लिया अभी, लेकिन असम पुलिस को दिल्ली में आकर अरेस्ट करना, वो भी एयरपोर्ट पे, ये क्या दर्शाता है? मुझे किसी ने बताया कि पवन खेड़ा जी ने उस वक्तव्य के बारे में माफी भी मांगी, स्लिप ऑफ टंग हो गया, गलती हो गई, उसके बावजूद भी उनको अरेस्ट कर लिया। उसका मतलब है कि आप दिखाना चाहते हो, आपने पुलिस का रोब दिखाना चाहते हो, इसी उसको तो हम इमरजेंसी बोलते हैं ना, कानून और एजेंसी का दुरुपयोग इसी को ही कहते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में चल रहा है और राज्यों में चल रहा है, एक स्वतंत्र होता है बात करने का, खास करके जो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं बड़े पार्टी, वो बात करते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। इसे पवन खेड़ा जी ने कहा कुछ इसे स्लिप ऑफ टंग, फिर भी उनको जिस तरह से वो कांग्रेस महाधिवेशन में जा रहे थे, तो लगता है मुझे असम की पुलिस उनके पीछे पीछे भाग रही थी, कब एयरपोर्ट जाते हैं, कब हम एयरपोर्ट से उठा कर उसको लेके जाएंगे, तो बड़ी न्यूज बन जाएगी। तो बड़ी न्यूज बनाने के चक्कर में पवन खेड़ा जी को अरेस्ट किया।